गाना बड़ा रोमांटिक आज रिकॉर्ड हो रहा है, कितने हिट नंबर गा चुके हैं, बहुत सो कि ये भी हमारा हिट नंबर होगा। बहुत प्यारा शब्बीर अहमद साहब ने लिखा है, उनके हर फिल्म में आज तक गाने हिट हो रहे हैं, लगे चार घुमाए करो ना सर सर जी मैडम है, तो सब एक कॉम्पिटिशन बड़ा प्यारा बन गया है, नहीं गया काम हो रहा है। ये पहला गाना है, उसके बाद उसमें चार गाने हैं टोटल। ये पहला गाना है, ये सेकंड एक ये खली वाली जो टाइटल ट्रैक है हमारा, वो धमाल खली बली जैसे टाइटल है, मतलब खली बली हर वर्ग धमाल। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इमोशन भी है इसमें, रोमांस भी है, कमर्शियल फिल्म है, हटके भी होती है, हट जाती है फिल्में, जब हट जाती है कमर्शियल फिल्म है। दो घंटे की इंटरटेनमेंट करेगी, हंसाएगी, लड़ाई करनी है। इसकी शूटिंग हम लोग मुंबई में 70% पार्ट ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, और इसका शूटिंग पार्ट तो बचा हुआ है हमारे, लोग लगभग सेप्टेम्बर दिसंबर में कम्प्लीट करेंगे, और जनवरी में हम लोग आउट ऑफ नई गाना शूट कर देंगे। 3 अप्रैल को हमने हमारे प्रोड्यूसर सामने अनाउंस किया है, 3 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया बड़े अच्छे से रिलीज होगी। दिख रहा ना था ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा थोड़ा अड्डा ऊपर करो ना मैडम, के साथ जो इतनी फिल्में मैं कर चुका हूँ, हर फिल्म में अलग रोल होता है, अलग किरदार होता है, उसका एक अलग जर्नी होती है सर सेंटर, मैं भी वो एकदम अलग तरीके का होगा। ये तो डॉक्टर और हर फिल्म में क्या होता है, हर फिल्म में जब कास्ट आपके साथी कलाकार जब थोड़ा अदल बदल जाते हैं ना, तो उसका मजा कुछ और होता है। इस पिक्चर में सबसे बड़ी बात है कि धर्म जी हैं और विजय राज हैं और बहुत बात है, लेकिन वही लोग अगर धर्म जी के साथ होते हैं तो एक्टिंग का माहौल अलग हो जाता है, वही दूसरे एक्टिंग के साथ होते हैं तो उसका माहौल अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ताना बाना मरुची का है वो एक नया लुक और नया प्रयोग दे रहा है एकदम तक मजेदार है। अभी तक का मतलब इतनी सारी फिल्म मैंने पहले नहीं कहा कि इतना लंबा है, हस्बैंड वाइफ का भी नहीं होता तो भी जल रहे ये अच्छी बात है। और इस फिल्म के लिए पहले गाने जो आज रिकॉर्ड हुए हैं तीन और गाने जाना चाहूँगी आप इस फिल्म के पार्ट से ये जो रोल है बहुत डिफरेंट रोल है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये बड़ा किया था, तो संडे जब ये रोल सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें सेलेक्ट हो गया। अभी आपके सामने ये जैसे कि हॉरर कॉमेडी है और एक्चुअली हॉरर कॉमेडी है, तो मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा ना तो अपने कैरेक्टर पता चल जाएगा, सारी स्टोरी का सस्पेंस हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम में से कोई भूल हो सकता है, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। बहुत बड़ा सीन था, मजा आया, बहुत कुछ हमने काफ़ी चीज भी थी और अब समझ में आ गया भाई इसको कैसे किया जाता है सीन। मैं यही बोलना चाहूँगा कि पूरी टीम इतने प्यार से और दिल से मेहनत सभी फिल्मों में लोग करते हैं, मैं भी उसी शिद्दत से लोग काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश एज ए डायरेक्टर है कि 2 घंटे की फिल्म हर सीन आपको हंसाए डराए करते हो, वो मेरी कोशिश है। और मेरे प्रोड्यूसर कमल मिश्रा जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, मुझे मौका दिया कि पूरी टीम मेरे मन मुताबिक उनको दी, तो मेरी सब चांस मेरा है कि मैं उनको वैसा काम करूँ जो उन्होंने उम्मीद रखी है, और आई होप सो कि हम उस परीक्षा में खड़े उतरेंगे और 3 अप्रैल को ऑल इंडिया रिलीज होगी पिक्चर।
दर्शकों को 100% सर सेंटर नहीं नहीं आप ही आपको कहने में सवाल पूछता हूँ दर्शक पहले जानना चाहूँगा इस गाने के बारे में क्या सिचुएशन है और मनोज जी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं क्या ना क्या कहना चाहेंगे पहली बात तो ये है कि खली बली जो फिल्म है इसमें आज एक गाना है हमने रिकॉर्ड किया एंड सबसे बड़ी बात है कि गाने में जो चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे कि मेलोडी इज़ नॉट देयर मेलोडी मिसिंग तो ये फुल अपने लिए जो गाना किया है शब्बीर अहमद का लिखा हुआ है एंड पूनम जी का लिखा ठीक है उसमें म्यूजिक किया हुआ तो पूनम जी आई थिंक एज ए फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर है इतना अच्छा गाना बनाएंगे वो मैं सोचा भी नहीं मेरे को आके बड़ा मज़ा आया कि मुझे बुलाया गया एक ऐसे गाने के लिए जो गाने में मेरे लिए क्योंकि अभी के जो गाने में कहीं ना कहीं मेलोडी एक मिसिंग लगती है तो ये गाना किस तरह का है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कौन से बहुत ही मेलोडियस गाना है आज खली बली फिल्म का गीत है ये पहला गीत आज रिकॉर्ड हुआ है एंड मुहूर्त गाना था एंड आई एम हैप्पी दिस टाइम दिस टाइप ऑफ मेलोडियस एक कंपोजिशन जो मेरे को उन्होंने गवाया एंड शब्बीर जी का लिखा हुआ है एंड पूनम जी का म्यूजिक है एंड डेफिनेटली शब्बीर अहमद को आप लोग जानते ही होंगे एंड पूनम जी आई थिंक न्यू कमर एंड शी हैज डन एक्सेलेंट जॉब बहुत ही मेलोडियस गाना बनाया है जो आप लोगों को 100% पसंद आया काफ़ी चुनिंदा गाने करते हैं समय में क्या क्या खास बात देखते हैं जब किसी गाने को चुनने की कोशिश करते हैं आप देखिए मैं ज़्यादातर करके ख्याल रखता हूँ कि मेरे जो दायरा है उस दायरे के बाहर रह के गाना गाने का कोई मतलब नहीं बेटर है कि हम जो कर सकते हैं वही करना बेटर है तो हम जहाँ तक गा सकते हैं मैं उसका ही रिस्क लेता हूँ और वही गाता हूँ सर इन दिनों जो है अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर एक मतलब अलग अलग गाने का म्यूजिक देते हैं पहले के ज़माने में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर पूरी फिल्म का म्यूजिक करता था तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है आपको ऐसा लगता है ये होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप म्यूजिक पहले हुआ करता था जिस तरह से एक फिल्म की स्टोरी जो है ना एक म्यूजिक डायरेक्टर को आप पूछेंगे तो वो स्टोरी डायरेक्टली आपको पूरा स्टोरी बता देंगे ऐसा था तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एक इन्वॉल्वमेंट जो स्टोरी के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें गाना लिखता था और उन्हें उसमें गाना निकलता था कि किस तरह से गाना आना चाहिए किस तरह से गाना तो आई थिंक एक म्यूजिक डायरेक्टर को ये स्कोप देना चाहिए पूरा फिल्म का तब जाके वो अपना हुनर दिखा सकते हैं एंड आई थिंक टुकड़े टुकड़े में समझ लिया उनको किसी ने बोल दिया कि भाई आप लड़का लड़की फिल्म कर रहे हैं गार्डन में आप इस सिचुएशन में गाना बना इस तरह से नहीं होना चाहिए एक पूरा स्टोरी अगर हमारे राइटर को मालूम पड़े कि ये स्टोरी पूरा स्टोरी लाइन जा रहा है तो उनको एकदम आसानी से पता चलेगा कि क्या क्या गाना आना चाहिए और हम क्या इस शब्द इस्तेमाल करेंगे तो एक ईजियर वे होता है अभी तो कितना तकलीफ में ये लोग काम कर रहा है कि इनको एक सिचुएशन दिया जाता है और बोलता है कि आप इसके ऊपर गाना बना तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग अभी मेरे को लगता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए एंड एक लिरिक्स राइटर होना चाहिए लिरिक्स राइटर भले दो तीन ले ले लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए जो म्यूजिक करे वो म्यूजिक डेफिनेटली अच्छा दादा आपने रानू मंडल के बारे में सुना होगा जिनको जो है लता दीदी से कंपेयर किया जा रहा है क्या कहना चाहिए बारे में सुना होगा उनको लता दीदी से कंपेयर किया जा रहा है ये कितनी गलत बात है ये गलत बात है किसी को लता दीदी के साथ कंपेयर करना है मतलब पता नहीं मजाक वाली बात है ऐसा लगता है जिस इंसान जिस सिंगर ने पूरी लाइफ अपनी खपा दिया इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में उसमें कोई चंद दिन में आके फट से बोल देंगे कि हम लता जी के चैलेंज करेंगे और लता जी के साथ तुलना कर लेंगे उसका कंपेरिजन तो होना नहीं चाहिए ये गलत बात है रानू जी अपनी जगह अच्छा गाती है ठीक है बहुत अच्छी बात है एंड हिमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद बट प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है लता जी के साथ कंपेयर मत कीजिए क्योंकि ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अपमान है मधु मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म में कौन से किरदार में नज़र आने वाली है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए काफ़ी लंबे समय के बाद सब देखने वाले हैं थोड़ा सा बताइए
स्टोरी तो ये बताएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं फिर से हिंदी फिल्म में काम कर रही हूँ, कम से कम 8-10 साल के बाद। तो आज मैं कुमार जी के साथ खड़ी हूँ, तो इनको देख के मुझे अपनी पहली फिल्म की याद आती है फूल और कांटे, और जी करता है कि उनकी आवाज़ में वो गाना भी दोबारा सुन लूँ। बट नहीं, लेकिन उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सालों के बाद मैंने फिर से काम शुरू किया है, और साउथ में मैं काफ़ी कर रही हूँ, और हिंदी में करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई वॉन्ट के मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो तमिल फिल्म नहीं देखते वो मुझे देखें, और आपको एंटरटेन करने का मुझे एक और मौका एक और बार मिले। मतलब सही समय का वेट कर रहे थे फिल्म में आने के लिए, स्पेशली हिंदी फिल्मों में? नहीं, मैं वेट नहीं करती, जैसे मैं कैसे कहूँ, यू नो थिंग्स हैपन एज दे डू। मैं कभी किसी का वेट नहीं करती, कोई किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करती, पर आई बिलीव के थिंग्स हैपन इन देयर ओन टाइम, एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। जो जहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ी हूँ, यही परफेक्ट टाइमिंग है। मनोज जी इज़ माई परफेक्ट डायरेक्टर एट दिस मोमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। रोल क्या है फिल्म का, किरदार क्या? रोल ये उस जॉनर की है, हॉरर कॉमेडी, एंड पहली बार मैं इस जॉनर में काम कर रही हूँ, एंड मैं नहीं हूँ, किस तरह से अपना रोल समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। डराएंगे आप? नहीं, मैं नहीं डराती, मैं डराने वाले को भगाती हूँ। वाह, तो कितना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सानू दा के साथ मिलके किस तरह का बॉन्ड शेयर करती है आप? जब मैंने इंडस्ट्री से, मैं ये नहीं कहूँगी कि जब मैंने छोड़ा था, लेकिन जब मैं थोड़े से समय तक मैंने जब एग्जिट ली थी, तो मैं एक अपने दूसरी दुनिया में चली गई। तो उसके बाद जब भी मुझे अपने लोग, मतलब अपने यानी अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं, वो मुझे हमेशा अपने ही लगते हैं। जब मैं इनके साथ खड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो पास्ट है, मेरे जो दोस्त है, ऐसा एक अपनापन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर बिलोंग करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ आ गई। तो इसलिए डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ। सनुदा, अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में, तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल फैंटास्टिक। शबीर जी आप कही है आप, ये गाना कैसा खास है? गाना बहुत अच्छा है, और कहानी बताई है, तो पूनम जी ने कंपोज किया, उन्होंने बताया कि बहुत थॉट चाहिए, और आज के हिसाब से जैसे गाने चल रहे हैं, जैसे मेरे गाने आते हैं, तो कुछ अलग मेरे लिए था, रोमांटिक गाना था, और कुछ लिरिकली लिखना, तो मतलब ठीक है, तो कहा कि इंसान का आप गाना कर रहे हैं, और मधु जी हैं, विनोद जी और सब लोग, तो मैंने कोशिश करी और मैंने गाना रोमांटिक गाना किया, और बहुत अच्छा गाना हुआ, बहुत अच्छा इन्होंने म्यूजिक किया, बहुत अच्छा गाया, तो फूल और कांटे उन्होंने ऐसा लिखा, तो आई होप कि मेरा भी गाना उनके ऊपर आ रहा है, तो खुशी है, बहुत अच्छा है, बस आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू। गाने में खुश है ना? डायरेक्टर हम लोग तो होगा ही होगा, लेकिन इनको खुश होना बहुत जरूरी है। गाना सुनते सुनते ये सोचते रहते ना कि अभी इसको कैसे पकाएंगे हम। अरे लखनऊ से मॉरिशस ले गया इनको गाना सुनते, ये लखनऊ में बोल रहे थे गाना, मैं क्या अभी आउट ऑफ इंडिया ही आएगा, गाना बड़ा हो गया, बड़ा गाना। आइए मधु जी, आइए मधु जी। शबीर भाई
प्यार से प्यारा गाना प्यार से सुनवा सब तेरे तुझे दे दूं सवेरा मैं अंधेरे हो सभी मेरे पहले लखनऊ में शूट होने वाला था अब गाना सुनने के बाद सीधा मॉरीशस पता नहीं मॉरीशस में करेंगे मैं तो हूँ ही नहीं उसमें बॉलीवुड एक्टर मतलब मैं जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि बीइंग अ हॉरर फिल्म वर्डरूम थोड़ा ऊपर व्हाट वाज सो यूनिक अबाउट द कॉन्सेप्ट कि आप इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे फिल्म तो यूनिक है ही क्योंकि ये एक रेगुलर जॉनर नहीं है हालांकि इससे पहले दो चार फिल्में बन चुकी हैं इस जॉनर में बट हॉरर कॉमेडी इज़ अ रेयर थिंग और उसमें मैं पहली बार कर रही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही यूनिक है मैं पता नहीं इस फिल्म को देखूंगी या नहीं डबिंग के बाद क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से बहुत डरती हूँ सो मेरे बच्चे भी शायद नहीं देखेंगे हम लोग हॉरर के नाम से भागते हैं बट काम करते हुए बड़ा मज़ा आया जब वो सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं वो है इमेजिनेशन में हम एक्टिंग करते हैं ऑलमोस्ट लाइक अ वन मैन शो ये सब मैंने पहले नहीं किया था किसी भी फिल्म में तो वो सीन सब करते हुए बहुत अच्छा लगा और दूसरी बात ये है कि टीम इज़ लवली यूनिट इज़ लवली सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आर्टिस्ट हर फील्ड के इसमें एक साथ आए हुए हैं धर्म जी हैं तो इस फिल्म में काम करके और हिंदी फिल्म में काम कर रही हूँ 8 साल के बाद तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिससे मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा मैम मेनी हीरोइंस फ्रॉम द 90s जरा माधुरी दीक्षित मनीषा कोड़ा जिन्होंने रिसेंटली वर्क इन प्रस्थानम तो कितनी अच्छी बात है कि एज वैरी जो चीज़ है यू नो इन पहले हो गया होता था कि एक एज होता था उसके बाद आपको काम मिलता था बहुत कम मिलता था आज के दौर में यू नो एज हैज बीन अ वैरियर विच हैज बीन रिमूव फ्रॉम द इंडस्ट्री तो क्या कहना चाहेंगे कितनी अच्छी बात है सबसे अच्छी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए क्योंकि हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता हमें कोई चीज़ को इमेजिन नहीं करनी होती लोग हमें हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वी डोंट हैव टू हाइड इफ वी आर मैरिड वी डोंट हैव टू हाइड इफ वी आर अ मदर बिकॉज एक्टर्स डोंट हैव टू हाइड देयर रियल लाइफ तो वो एक्सेप्टेंस आज के लाइफ में आ गया है एक्टर्स को एक्टर्स के तौर पे देखा जाता है उनकी प्राइवेट लाइफ को अलग कर देते हैं और बिकॉज देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जैसे वेब सीरीज एंड नेटफ्लिक्स एंड ला 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 There are so many roles and so many content being made, so many roles are being made. So, हम सब cliche roles से बाहर निकल कर अपने आप को as an artist experiment कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं किया था वो आज कर सकते हैं और audience accept भी करती है So, I'm very proud that I am a part of this moment in our industry. Thanks.